हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज जो है हमारा थर्ड वैक्सीन लगने वाला है चिक्स को। और अभी अगर करंट एज की बात करेंगे दोस्तों, हमारा जो दो चिक्स आज जो छोटे वाले बच्चे थे वो 22 डेज के हो चुके हैं। एक्चुअली 21 डे में लगता है जो लसोटा वैक्सीन लगता है दोस्तों, बाकी अभी 22 डे हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे जो बड़े साइज के जो बच्चे थे दोस्तों, वो लगभग आपका 2 महीना नहीं हुआ है, 2 महीने से थोड़ा कम है, लेकिन काफ़ी हेवी साइज का बन गया यार। सही में यार डिफरेंस जैसे वीडियो बनाता ना तभी पता चलता है, बाकी ऐसे में डिफरेंस पता नहीं चल पाता यार। तो फ्रेंड्स चलिए फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जो हमारे चिक्स है यहाँ पे हमने बाहर निकाल के इसको हमने लार्वा दे दिया है, तो ये खा रहे हैं। और इस बीच में दोस्तों हमारा दो चिक्स और निकले थे, बट उसको मैं नहीं दिखा पाया। यहाँ पे आप दो चिक्स देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा क्वालिटी डाउन होगा दोस्तों, देखिए मेरे को पता है मदर है कौन सा मदर है, ये क्वालिटी थोड़ा डाउन होगा दोस्तों, ठीक है। मतलब फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत डाउन होगा, एकदम लोकल है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जो ये चार चिक्स है दोस्तों, इसके कंपेयर में थोड़ा क्वालिटी डाउन होगा। इसमें जो हमारा एश कलर का ये मेल है और उसके साइड में जो फीमेल है, ये हमारे पास का जो बेस्ट चिक्स है दोस्तों अभी करेंटली हमारे पास। बाकी ये ब्लैक कलर में जो है दोस्तों, ये हमारे एश कलर के कंपेयर में थोड़ा डाउन होगा क्वालिटी, और इससे भी डाउन होगा ये जो हमारे और दो चिक्स दिख रहे हैं। और लगभग हफ्ता 10 दिन में और लगभग कुछ चिक्स और निकलने वाले हैं, तो आज जो है इन दो चिक्सों को दोस्तों इनका फर्स्ट वैक्सीन लगने वाला है जो F1B1 लगता है, बट हमारे यहाँ पे दोस्तों F1B1 पाया नहीं जाता, इस वजह से मैं लसोटा वैक्सीन करूँगा। और साथ में दोस्तों इनका जो है बूस्टर डोज भी लग जाएगा, ठीक है, लसोटा वाला। चलिए फिर दोस्तों ये चिक्स को भी मैं बाहर निकालूंगा और ये पूरा केज वगैरह बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। देखिए बिल्कुल गंदा है, काफ़ी गंदा हो गया है। और ये बतख वाले जो हमारे बच्चे हैं, इसको भी हम बाहर निकाल देंगे, जो चीनी वाले बतख है ना, इसको भी बाहर निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा वैक्सीन है, ये लसोटा वैक्सीन है दोस्तों, और 100 डोज वाला नहीं मिला था तो 200 डोज वाला लाना पड़ा है, पर दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग सबसे पहले मिक्स कर लेंगे और इस राउंड में बिल्कुल एकदम करंट डेट का इसका जो है डिस्टिल वाटर मिल गया था, तो इसके साथ का क्या होता है दोस्तों, इसके साथ ड्रॉपर रहता है ना, तो ये फिर अप्लाई करने में ईजी होता है। सबसे पहले सिरिंज में निकाल लेंगे जैसे हम लोग रेगुलर निकालते ही है, 1.5-2 ml सफिशियंट है। और इसमें इसको मिक्स कर देंगे, इसको अच्छे से शेक करेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए बढ़िया से। मिक्स हो गया दोस्तों, अब इसको निकाल लेंगे सिरिंज से। सिरिंज भी खत्म हो गया था मेरे पास, तो सिरिंज भी लाना पड़ा यार। और मैं सिरिंज वगैरह दोस्तों बॉक्स बॉक्स ही लेके आता हूँ क्वांटिटी में, क्योंकि रेगुलर रिक्वायरमेंट होता ही है सिरिंज वगैरह का। इसमें से पूरा जो है हमारा मेडिसिन आ गया सिरिंज में, अभी इसको हमारा जो डिस्टिल वाटर है इसके साथ मिक्स कर देंगे। अभी इसको अच्छे से चेक करेंगे, इसका ये ढक्कन है, और सिरिंज का काम खत्म है, अभी डायरेक्ट इससे अप्लाई करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो हमारा छोटा वाला चिक्स है उसको निकाल लेते हैं। ये क्वालिटी थोड़ा डाउन होगा दोस्तों, क्योंकि इसका फादर मदर मेरे को पता है कौन सा क्या है। ये मेल है दोस्तों, कभी भी चिक्स को वैक्सीन करना होता है दोस्तों, डेट वगैरह सारा कुछ अपने को नोट करना होता है। ये 1 ड्रॉप हो गया, आइस में
दोनों आइज में एक एक ड्रॉप दे देते हैं, दिक्कत नहीं है। जा बेटा दूसरा चिक है इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये भी मेल है, इससे पता चल जाता है दोस्तों, ये जो पंख का पैटर्न है ना, इससे पता चल जाता है मेल होगा या फीमेल होगा। इसको भी लगा देते हैं। फिर बड़ा हो गया यार दोस्तों, 2 महीना इसका एज हुआ नहीं है, बट उससे पहले इसका वजन आप जैसे पकड़ोगे आपको महसूस होगा कि नहीं यार, और ग्रोथ भी बहुत बेटर बना यार, और क्वालिटी भी देख सकते हो दोस्तों, प्योर पैरेट बिक का है। इसका फादर भी नंबर 1 क्वालिटी का था इस वजह से। बाकी इसके साथ जो फीमेल है दोस्तों, ये पेयर सेल के लिए अवेलेबल हो गया है, तो जिस भी मेरे भाई को ये पेयर चाहिए होगा आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा बड़ा साइज का है तो 2 ड्रॉप दे देंगे, दिक्कत नहीं है। दोनों आइज में एक एक ड्रॉप दे देते हैं। फीमेल भी काफी साइज की है दोस्तों, और ये भी अच्छे क्वालिटी का है, ठीक है। दारा बेटा ये जो चिक है दोस्तों, अभी ये 22 डेज के चिक्स है, और इसका भी ग्रोथ आप देख सकते हो दोस्तों, काफी अच्छा ग्रोथ है, और इसके भी क्वालिटी काफी अच्छा है दोस्तों, लेकिन उस वाले चिक के कंपेयर थोड़ा डाउन है, तो उसके वजह से प्राइसेस में भी काफी डिफरेंस है। ये वाला चिक्स का दोस्तों ये अपना 3rd वैक्सीन कंप्लीट हो रहा है, और इसके बाद डायरेक्ट 2 महीना जब इसका एज होगा दोस्तों, R2 वैक्सीन इसको अपने को पंख में लगाना रहेगा, ठीक है। तो इसको 3rd वैक्सीन कर देते हैं। 3 वैक्सीन के बाद दोस्तों मैं सेल के लिए रेडी होता मेरे पास, बाकी इतने छोटे मैं सेल नहीं करूंगा, थोड़ा बड़ा होगा ताकि आपको भी मजा आए, मेरे को भी थोड़ा समझ में आए। इसको 1 ड्रॉप ही देंगे। लास्ट चिक है, इसको भी 1 ही ड्रॉप देंगे। आँख में सही से गया नहीं, इसमें चला गया। इसका पंख को हल्का से ट्रिम कर देते हैं, सिर्फ टिप को काटना होता है। ये सफिशिएंट है, अब ये तो यार बहुत हेवी साइज का हो गया यार, देखते देखते बड़ा हो गया यार। इसका एज ये आपका 22 उसका है, तो ये 23 डेज का है दोस्तों, ठीक है। 23 डेज में देखिए बहुत बड़ा हो गया यार ये भी, तो डाइट में कभी कोई कंजूसी होता नहीं है, इस वजह से ग्रोथ में भी कोई कमी नहीं है। दरवट इसको भी दे देते 1 ड्रॉप, कि वैक्सीन तो हमारा वेस्ट होना ही है, वैक्सीन वेस्ट होगा उससे बेटर इसको भी अप्लाई कर देते हैं। तो इसको भी 3 वैक्सीन लग चुका है। दारा दारा बेटा चौथा ड्रॉप हो गया दोस्तों। फाइनली हमारे जो सारे बर्ड्स को वैक्सीन लग चुका है, जो चिक्स है, तो ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से जगह को मैंने क्लीन कर दिया है, पूरा जो है मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि ये अपने को कंटिन्यू चेंज करना होता है। जितना साफ सफाई आप मेंटेन रखोगे उतना दिक्कत कम होगा, उतना ग्रोथ भी अच्छा होगा, और बीमारी वगैरह भी कम आएगा।
ये ऊपर वाला दोस्तों क्योंकि सिर्फ दो चिक है तो इस वजह से मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से हल्का सा वैक्यूम मैंने किया है। ये खड्डा मैंने चेंज नहीं किया है, नेक्स्ट राउंड में इसको भी मैं चेंज कर दूंगा जब तक नेक्स्ट वैक्सीन होगा ना, मतलब जब इसका एज 15 दिन का होगा, मतलब हफ्ता 10 दिन में, उस टाइम मैं इसको चेंज कर दूंगा। और ये नीचे भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, इसको भी मैंने चेंज कर दिया दोस्तों, जो कार्टन बॉक्स है हमारा, कार्डबोर्ड बॉक्स है। और यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन, और सारे बच्चे बिल्कुल एकदम हेल्दी है दोस्तों। तो ये बड़े चिक्स जिस भी मेरे भाई को इंटरेस्ट है, डिटेल्स के लिए मुझे इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे दोस्तों, इसका मैं डिटेल्स आप लोगों को दे दूंगा। बाकी आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी चैनल फ्रेंड्स अगर नए हो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में कभी भी कोई वीडियो डालू तो वीडियो का जो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।